था ना, ये इस शेप में है इजराइल। इजराइल का नक्शा देखेंगे तो इस तरह से, तो इजराइल ने ना, ये तो पहले इजराइल तो था ही नहीं, इजराइल से पहले क्या था, फिलिस्तीन था। इजराइल से पहले फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो इजराइल ने कब्जा कर लिया, इतना ही एरिया छूटा हुआ है। तो जो इस साइड का है ना, इसे कहते हैं वेस्टर्न बैंक, जो इस साइड वेस्टर्न बैंक, इसे कहते हैं गाजा पट्टी। ये गाजा पट्टी समझ में आ गया, ये है वेस्टर्न बैंक, वेस्टर्न बैंक, और ये वाला है गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी, गाजा। फिलिस्तीन के लोग क्या कहते हैं कि ये वाला एरिया पूरा दे दीजिए हमको इस तरह से, और ये इनफैक्ट यूएनओ ने भी इन्हें दिया था, लेकिन इजराइल अरब वाले, इजराइल फिलिस्तीन को कहा चलो मार के पूरी तरह भगा देते हैं, छोटा कहीं का तुरित पूरी तरह भगा देते हैं, और उल्टे लात खा के आ गए, इतनी सा बच गया। अब फिलिस्तीन कहता है कि ना भैया इजराइल गलती हो गया, हमारा हाइजन था दे दीजिए, हम इतने में खुश रहेंगे, हम इसी को फिलिस्तीन कहेंगे। तो इजराइल कहेगा छोटा कहीं का पूरा मारने हमको आया था, सोच अगर हम हार गए रहते तो तुम हमें माफ करते, और नहीं माफ करते सब, और अगर हम बता रहे ना इजराइल कमजोर पड़ गया ना, तो ये अरब वाले उसको मार के खा जाएंगे सब, कहीं का नहीं छोड़ेंगे सब, इसलिए गलती किए हैं लोग ने यहाँ पे, आज भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर ले, इसी पे कॉम्प्रोमाइज कर ले। हालांकि ये कह सकते हैं कि नहीं भैया इन दोनों को एक पास कर दो, इधर की जमीन दे दो इतना, और ये वाला इजराइल में मतलब एक्सचेंज करके एक जगह रख लो, तो इसी को गाजा पट्टी कहते हैं, इसे वेस्टर्न बैंक। पूरा मिडिल ईस्ट वाले सिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहा है सब, सिया और सुन्नी के नाम पे लड़ रहा है सब। अब ये सिया सुन्नी क्या है, हम आपको नॉर्मली समझा देते हैं, ध्यान से समझो। इन लोगों में एक होता है सिया सुन्नी वहाबी, अरे इस टाइप का तीन होता है, अरे 72 को कैटेगरी है इसमें, हम आपको तीन को मेन समझा दे रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा होता है। एक होता है वहाबी, एक होता है सुन्नी, एक होता है सिया। देखो भैया, इनका कहना है कि जो अल्लाह है वो सर्वश्रेष्ठ है, इनके अलावे आप किसी से कुछ मत मांगिए, जो कहता है अल्लाह कहता है, अल्लाह करता है। हमसे तो बवाले हो जाते हैं, हम ये लोग से मिलते हैं तो भाई हम साइंस के हिसाब से सोचते हैं, ट्रेडिशनल हिसाब से सोचते हैं। सुन्नी कहते हैं कि भैया अल्लाह तो खुद जमीन पे नहीं आए, उन्होंने किसे भेजा था, प्रोफेट मोहम्मद साहब को, इसलिए सुन्नी लोग इन दोनों को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह और मोहम्मद दोनों को मानना चाहिए, इनके सबसे करीबी मोहम्मद साहब थे, ये बात हकीकत भी, उनका सबसे करीबी पैगंबर वही थे। सुन्नी सिया का क्या कहना है कि अल्लाह जो थे इनका सबसे करीबी कौन थे, मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब के दो नाती थे लोग, एक का नाम था हसन और एक का नाम था हुसैन, हसन और हुसैन, इन्हीं के नाम पर मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये लोग ज्यादा वैल्यू किसको दे देते हैं, इन लोगों को दे देते हैं, हसन और हुसैन को वैल्यू दे देते हैं सिन्नी सिया लोग। और भी बहुत सारा नियम कानून है, अरे भाई साहब मत पूछिए, ये समझाइए नहीं पाइएगा आप। तो ये सिया सुन्नी का मार हो गया है यहाँ पर। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं भाई, सिया सुन्नी के चक्कर में सऊदी अरब वगैरह वगैरह भी ज्यादातर ये लोग सुन्नी है, इधर सिया है लोग यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर एक हैती विद्रोही है, विद्रोही का नाम क्या है, हैती विद्रोही जो होते हैं सब वो सिया जाति से आते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत, अरे सिया सुन्नी के चक्कर में मत पड़ना भाई, चुपचाप नौकरी लो, काम खत्म करो, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। आपको सीधी सी बात बताते हैं ना भाई, आप हिंदू हो या मुसलमान या सिख ईसाई, सिख ईसाई जैन बौद्ध को समझाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत विद्वान है वो लोग, मेन इनको मुसलमानों को और थोड़ा बहुत हिंदुओं को समझाने की जरूरत है। आप समझो भाई, मरने के बाद आपके धर्म का हिसाब नहीं होगा कि आपका धर्म अच्छा था कि आपका धर्म खराब था, मरने के बाद आपके कर्म का हिसाब होगा, आप अच्छा कर्म किए थे तो सही है, गलत किए थे तो सही है, तो गलत है। आप बताइए कहीं लिखा है कि आपके धर्म का हिसाब होगा, किसी में भी आप कोई भी धर्म उठाइए, हर जगह यही लिखा है कि कर्म का हिसाब होगा। तो भाई आप हिंदू हो तो भी अच्छा कर्म करो, मुसलमान हो तो भी अच्छा कर्म करो, क्या मतलब बनता है इससे, अजीब चीज है। जैसे ग्रेजुएशन कई टाइप से होता है, कोई बीकॉम किया है वो भी ग्रेजुएशन, कोई बीएससी किया है वो भी ग्रेजुएशन, कोई बीए किया है वो भी ग्रेजुएशन, तो बात वही है, कोई हिंदू है वो भी, मुसलमान है वो भी, जैन बौद्ध सब ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब एक समझने के लिए बता रहे हैं, बाकी लड़ने वाले कभी आप मना नहीं सकते, इसलिए आपको भी हम नसीहत देते हैं, अगर कोई आपसे बहुत रिजिड हो जाता है कि नहीं यही सही है, तो आप उसे समझा नहीं सकते, प्रणाम कीजिए मुस्लिम में तो आदाब कीजिए और चलते बनिए वहां से, नहीं समझा सकते भैया, नौकरी लो, सेटल हो, परिवार को चलाओ सुख चैन से, दूसरे की भी मदद करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो यहां एक हैदी विद्रोही आ गए थे, ये हैदी विद्रोही सिया के थे सब, सिया गुट के, और सिया ईरान सिया का सबसे बड़ा देश है, तो यहां भी सिया, और ईरान क्या करना चाहता था, यहां पर हैती विद्रोहियों को हथियार देता था। इससे सुना सऊदी अरब उठा ना तो यमन पे बम्बार्डमेंट कर दिया, यमन पे पूरा तबाही मार दिया, और इस चट्टा को इस समझ में नहीं आया कि स्कूल पे बम गिरा रहे हैं कि अनाथ आश्रम पे गिरा रहे हैं कि कहां गिरा रहे हैं, अंधाधुन बम गिरा दिया। भाई साहब दुश्मनी में भी एक इंसानियत होती है, क्या हम हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले कभी युद्ध नहीं लड़े हैं, क्या कभी कोई ये कह सकता है कि हमारी एयरफोर्स कभी पाकिस्तान के किसी स्कूल पर पढ़ रहे छोटे बच्चों पे बम गिराई है या कोई हॉस्पिटल में बम गिराई है, कभी नहीं गिराया गया यहाँ पर। और इवन कि पाकिस्तान भी इतना कांड किया है, भले ताज होटल में बम फोड़ दिया, लेकिन युद्ध के टाइम पे उसने भी कभी स्कूल और हॉस्पिटल पे बम नहीं गिराया, ये युद्ध की नीति होती है, लेकिन कई बार तो उसने युद्ध की नीति त्याग दी थी, क्योंकि कारगिल में उसने कैप्टन सौरभ कालिया का आंख निकल लिया था, लेकिन हिंदुस्तान की ओर से कभी ऐसा नहीं हुआ, इस छोटा सबको मार दिया। इससे हमको क्या तकलीफ है भैया, तकलीफ
तकलीफ है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से लोग यहाँ नौकरी पाने गए थे और वो लोग लाखों रुपए कमा के यहाँ से भेज रहे थे। सऊदी अरब ईरान के चक्कर में यहाँ गृह युद्ध हो गया और आपस में मार हो गया यहाँ पर, इतना अशांत हो गया कि वहां से 55 से 60 हजार लोगों को नौकरी छोड़ के भागना पड़ गया यमन से। और वहां के लिए हमारी नौसेना गई थी, एयरफोर्स गई थी वहां से उन लोगों को लाने के लिए। हम लोग तो बेरोजगार हो गए, हमारे लोग को, और इंडिया में कितना रोजगार है आप सब जानते हैं। यहाँ पर यमन चौपट हो गया, यहाँ पर समझना कि मजनू का था यमन, लैला का था सऊदी अरब। सोच रहा एक वक्त था दोनों में इतना प्यार था, मार